हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। नमस्ते, मैं हूं शैवा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये भी हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपनी लग्न राशि, सन साइन, मून साइन या अपने नाम के अकॉर्डिंग राशि के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड हम इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ और हेल्थ लाइफ से जुड़ी हुई जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, ये भी हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फर्गेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। एंड 2024 की रीडिंग भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कोई गाइडेंस मिली या नहीं मिली और रेजोनेट रीडिंग करी है या नहीं करी है। ओके, एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक फील कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं गणपति पप्पा का नाम लेकर। ओम गं गणपते नमः। हेलो सैजिटेरियस धनु राशि, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए जनवरी का मंथ 2024 जनवरी का मंथ क्या लेकर आ रहा है। आपके लव लाइफ में, करियर लाइफ में, हेल्थ लाइफ में क्या कुछ होने वाला है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है, ये भी हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। बट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जीज पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2024 का महीना? थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। Queen of Swords, the World, okay, Six of Wands, नेम फेम यहाँ पर आप लोगों का बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो भी कार्मिक चीज़ें, जो भी कार्मिक चीज़ों को आप लोग छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे ना, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू वो चीज़ यहाँ पर आपके हाथों से छूटेगी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके सामने आ गया है। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर कुछ नया सीखते हुए भी आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। एक साइकिल से आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं, एक नए चैप्टर की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं और एक फिनिशिंग लाइन के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किस्मत आपका साथ बखूबी देने वाली है इस महीने के दौरान और आप लोग गुड लक एनर्जी में रहेंगे। गुड लक फॉर्च्यून आपका शाइन कर सकता है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। ऑल्सो यहाँ पर आप लोग वीज़ा या पीआर अप्रूवल का वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको इस महीने के दौरान मिल सकता है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस आपके होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर आपकी लाइफ में कार्मिक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो रही हैं, कार्मिक चीज़ें रिलीज हो रही हैं, कार्मिक लोग आपके लाइफ से जा सकते हैं। अगर आपकी कोई करियर या फिर कोई जॉब कार्मिक थी तो वो यहाँ पर आपके हाथों से जा सकती है। तो आपको यहाँ पर कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ को, लेट गो की एनर्जी में आपको रहना है, लेट गो एंड सरेंडर की एनर्जी में आपको रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आप बिजी एनर्जी में रह सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन, ओके, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव सेवन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस वाली एनर्जी में भी कभी कभी रह सकते हैं कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और डे ड्रीमिंग में ख्याली पुलाव पकाते हुए ये भी आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर अपने एक्शंस पे इम्प्लीमेंटेशन लेकर आना, प्रैक्टिकल तौर पे अपने आइडियाज़ को उतारना, ये एक चैलेंज रह सकता है इस मंथ के दौरान। तो अगर आप इस चीज़ पे काम करते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप प्लान बना रहे हैं, उसको आप एक्शन में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट, फ़ायदा दे सकता है। ऑल्सो लोगों में आपका नेम फेम ग्रो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप में आप लोग फील कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी दिक्कत हो सकती है, तो प्लानिंग प्रायोरिटाइजिंग डेफिनेटली कीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए।
ऑल्सो कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या फिर जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों का चेहरा आपके सामने आ सकता है, उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। तो यही इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो करने की एनर्जी में, सरेंडर की एनर्जी में रहिएगा। ऑल्सो यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, और आप लोग है ना इस वजह से काफ़ी कार्मिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो सामने से तो अच्छे हैं लेकिन पीछे से, आपके पीठ के पीछे से आपका बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बैक स्टैब करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। फाइनेंशियली आप ग्रो करने वाले हैं इस महीने के दौरान। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके यहाँ पर ओके वी हैव 10 ऑफ कप्स, वाओ। सो यहाँ पर अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था या फिर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, ज्वेलरी या प्रॉपर्टी के लिए आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, कोई एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें भी आपको गुड अनाउंसमेंट, गुड रिजल्ट मिल सकता है आने वाले जनवरी के मंथ में। ऑल्सो आप लोगों की फैमिली का सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का सपोर्ट, आपके पार्टनर का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आपके पास रह सकता है। एंड यहाँ पर कुछ गृह प्रवेश की भी एनर्जी आ रही है, और ड्रीम हाउस आप लोग अपना ले सकते हैं इस महीने के दौरान। फाइनेंशियली आप खुद भी ग्रो करेंगे और अपनी फैमिली का भी, अपने पार्टनर का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली टाइम आप लोग स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं, कहीं वेकेशन पे, कहीं घूमने फिरने अपनी फैमिली के साथ, कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर दिल और दिमाग का बैलेंस करना आप लोगों के लिए एक चैलेंज रह सकता है इस महीने के दौरान। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको फेस करना पड़ सकता है। काफ़ी बिजी भी रह सकते हैं इस महीने के दौरान आप लोग, को बहुत बिजी एनर्जी में, बहुत हेक्टिक शेड्यूल में आते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, नया कोर्स कर रहे हैं, नया सेमिनार ज्वाइन कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट की भूमिका में आप लोग आ रहे हैं। भले ही आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ सीखते हुए भी आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो कम्युनिटी में आपका नेम फेम ग्रो हो रहा है, और आप कुछ ना कुछ लीड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट लीड करने का मौका, या फिर कुछ नया लीड करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है। काफ़ी सारे लोग आपकी बात को सुनने के लिए यहाँ पर मोटिवेटेड रहेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपको शाबाशी भी दे सकते हैं। कुछ ना कुछ सक्सेस आती हुई भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोगों की लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं आप लोग, और अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं तो उसमें भी आपका नेम फेम यहाँ पर ग्रो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यस, आपका नाम बढ़ सकता है, नेम ग्रो हो सकता है आपका, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी हाई रहने वाली है, और आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स भी काफ़ी हाई रहने वाली हैं इस समय के दौरान, इस महीने के दौरान। ऑल्सो आइडियाज़ तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकर आएंगे अपने माइंड में, बट प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग और उन पर एक्शंस लेना, ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इस चीज़ पर ज़रूर काम कीजिएगा और अपने अंदर पेशेंस लेकर आइएगा। अगर आपने आज बीज बो दिया है किसी चीज़ का, तो रातों रात उसमें पेड़ नहीं उगाएगा, रातों रात फल नहीं आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार की एनर्जी में भी रहना होगा। ओके, ऑल्सो यहाँ पर आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल महसूस करेंगे, लेकिन यस, शॉकिंग चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं इस महीने के दौरान। कुछ ना कुछ शॉक कर देने वाली चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं कि अच्छा, ये तो मेरे बारे में ऐसा बोलते थे और पीठ के पीछे ऐसा निकले, तो इस तरह की चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। कुछ शॉक से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी एनर्जी होगी, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है और डिवाइन एंडिंग की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग्स, गुड लक, फॉर्च्यून आपका चमकने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में जो लोग भी सिंगल हैं, मुझे लगता है आपको कोई ना कोई प्रपोजल मिलने वाला है, डबल होने वाले हैं आप लोग, और बहुत सारे ऑफर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप लोगों की शादी वगैरह भी फिक्स हो सकती है और आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकते हैं। टेम्प्ररी रिलेशनशिप में, कैजुअल रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आने वाले, आप लोग किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ओके, और हो सकता है कि आप दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग हो, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस हो। ओके, सो यहाँ पर आप लोग किसी रिलेशनशिप में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर शादी इवेंट्स, फंक्शंस, सेरेमनीज को अटेंड करने के लिए भी जा सकते हैं।
एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। अगर आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही थी आपकी शादी के लिए, तो वो भी फिक्स होते हुए मानते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। कोई ना कोई आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो रहा है, लव एंड केयर आप लोग एक दूसरे के साथ दिखा रहे हैं। लेकिन टावर के साथ मुझे लगता है कभी कभी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी किसी थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर कोई नेगेटिव ईविल आई की वजह से, या फिर नज़र दोष, या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो आप लोग अपनी लाइफ को, फैमिली को आगे बढ़ाते हुए और कुछ लोग प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं इस मंथ के दौरान। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज़। और आपके फैमिली, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करने वाले हैं, और साथ में आपका साथ भी बहुत अच्छे से देने वाले हैं। लव एंड केयर की बहुत एनर्जी है, और रोमांस भी भरपूर रहेगा इस महीने के दौरान। ऑल्सो थर्ड पार्टी इश्यूज़ में, या फिर जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, मुझे लगता है आप लोग एंड कर रहे हैं उसको और अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले हैं टॉक्सिक चीज़ों को, या फिर कार्मिक लोगों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे लगता है आपके पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही आप चीज़ों को ख़त्म करने के मूड में हैं। सो अपनी सेल्फ लव, सेल्फ वैल्यू दिखाते हुए आप लोग उस चीज़ से मूव ऑन करेंगे, और अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर की तरफ आप लोग कदम रख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हेल्थ वाइज मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ की परेशानी आपको हो सकती है, अपने पेट का, अपनी कमर का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। ओके, बाकी मुझे लगता है काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल में आप लोग रहेंगे। अपने पैरों का भी, मतलब अपनी कमर से नीचे वाले भाग का आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ध्यान रखिएगा। और यस, यहाँ पर आपको हेल्थ का, जंक फूड अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे भी आपको बचना होगा। और यस, पानी ज़्यादा पीजिए, और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिव फील कर सकते हैं इस मंथ के दौरान। थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेट गो की एनर्जी में आना होगा। ओके, लेट गो एंड सरेंडर वाली एनर्जी में आना होगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या फिर कुछ भी काम करने से पहले, आप लोगों को उसके बारे में भरपूर नॉलेज इकट्ठा करनी होगी और इन्फॉर्मेशन गेन करनी होगी। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो अपनी नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाइए, ठीक है। ऑल्सो वी हैव नो, यहाँ पर कुछ ना कुछ नो का कार्ड है, और उसके नीचे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपके लिए कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की टाइमलाइन आ रही है। ओके, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो फिलहाल उसका आंसर नो है। ओके, और देखते हैं सैजिटेरियस धनु के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। धनु राशि, यस, यहाँ पर यस आया है। कुछ लोगों के लिए यस है, कुछ लोगों के लिए नो आंसर है। दिस इज़ सो कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा कन्फ्यूज वाली एनर्जी में आप लोग रह सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आपको डिसीजंस लेने होंगे, अपनी सिचुएशन को देख के कोई ना कोई डिसीजंस आपको लेने होंगे। और ये जंपिंग कार्ड आया है, काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेम्स, आपका, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको काफ़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं। स्पेशली लॉर्ड शिवा की यहाँ पर एनर्जी आई है। सो ओके, ये कार्ड भी एकदम जंप करके आया है। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, आप बहुत करीब है अपनी सफलता की तरफ जाने के लिए, और बहुत 3-4 कदम ही रह गए हैं आपको, बस आगे बढ़ते जाना है, हार नहीं माननी है। एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लीजिए और उसके बाद आपके लाइफ में सफलता ही सफलता मुझे नज़र आ रही है। ओके, और अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स, अपने डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिएगा, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी हेल्प के लिए, सहायता के लिए हमेशा मौजूद है। बाउंड्रीज़, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज़, लोगों के साथ बाउंड्रीज़ बनाना सीखिए, लोगों को नो कहना आपको सीखना होगा, और लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लोगों को नो कहना, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना लोगों के साथ, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, ये मैं मैसेज आपको स्टार्टिंग से दे रही हूँ कि अपनी प्रायोरिटीज़ बनाइए, अपनी प्लानिंग ठीक से कीजिए। एंड वी हैव ओपन अप टू द चेंज, यस, कुछ ना कुछ चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ अपनी लाइफ में कोई चेंज लेकर आइए, बदलाव लेकर आइए, और चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो ग्रोथ की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, थोड़ा सा काइंड एनर्जी में भी आपको रहना है ऑल्सो, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। अपनी हैबिट्स में, अपनी रूटीन में, अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भी आपको चेंज लेकर आना है, ठीक है। अपने
रूम में भी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपका बेड एक ही तरफ रखा हुआ है काफ़ी समय से, तो उसको शिफ्ट कीजिए। ओके, वी हैव ब्रह्मा, दिस इज़ सो पावरफुल, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। एंड ये कार्ड कह रहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, अपनी रियलिटी को आप अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप बनना चाहते हैं आने वाले 5 साल, आने वाले 10 सालों में, अपने आप को मैनिफेस्ट कीजिए। विजुअलाइजेशन आपके लिए काफ़ी काम करेगी। ओके, तो यस, यहाँ पर कर्मा, कार्मिक साइकिल से आप लोग ओवरकम हो रहे हैं, कार्मिक लोगों से आप लोग ओवरकम हो रहे हैं। अपने कर्मों का ध्यान रखिएगा और अपने कर्मों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल्सो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि डोनेशंस कीजिए, होपनो होपनो प्रेयर होती है वो कीजिए, उससे आपकी कार्मिक चीज़ें रिलीज़ होंगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप अपनी कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो यस गाइस, ये थी आप लोगों के लिए जनवरी मंथ की रीडिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टारो बाय शैव्या, तो उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरे साथ पर्सनली जुड़ने के लिए आप उसे भी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।